खूबसूरती हमारे चारों तरफ है, हमें बस नजरें उठाने की जरूरत है। हमारे नेचर में हर एक जनजीवन बेहद खूबसूरत है। जैसे आप बर्ड्स की ही बात कर लो, जो अपनी प्यारी मधुर आवाज से प्रकृति को और भी खूबसूरत कर देती है। बर्ड रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, तरह तरह की होती है और हर एक बर्ड का अपना लाइफस्टाइल है, अपनी खूबी है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। और आज हम दुनिया के ऐसे ही पक्षियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें एक बार देख लो तो वो आंखों को भी भा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और लुभावनी पक्षियों की वीडियो को। नंबर 10, पर्पल हनी क्रीपर। कैरेबियन और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले पर्पल हनी क्रीपर की चोंच काफी लंबी और कर्व शेप में होती है, जिससे ये आराम से अपने खाने को खाती है। इसके पंख भी इतने शाइनी और सुंदर होते हैं कि भरे जंगल में आप इसे दूर से ही पहचान ले। काफी ब्यूटीफुल होने के साथ ही इसका साइज बाकी के पक्षियों से कम होता है। ये केवल 4.5 इंच लॉन्ग होती है। इन बर्ड्स में मेल और फीमेल में एक डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां मेल बर्ड्स के विंग्स, बेली और टेल में काले रंग की स्ट्राइप्स और पैर पीले रंग के होते हैं, तो वही फीमेल बर्ड्स इनसे अलग दिखती है। बात करें इनकी पेट पूजा की, तो पर्पल हनी क्रीपर ब्रोमलियर फ्लावर्स में से नेक्टर को पीना पसंद करते हैं। नंबर 9, टर्कोइस पैरट। पैरट ही एक ऐसा बर्ड है जो इंसानों का एक अच्छा दोस्त बनने के साथ साथ उसके साथ बातें भी बना सकता है। तोते इंसानों की बातें दोहराने में माहिर होते हैं। ये दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, बोलते समय उससे कई ज्यादा प्यारे भी। भरोसा नहीं हो तो इन टर्कोइस पैरट्स को ही देख लीजिए, जो एक नहीं बल्कि कई रंगों में रंगे हैं। खूबसूरत से दिखने वाले ये पैरट्स आपको केवल ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे। टर्कोइस पैरट में मेल और फीमेल में कोई भेद नहीं होता। भगवान ने दोनों को ही कदकाठी में एक समान बनाया है। यहाँ मेल पैरट अधिकतर ग्रीन एंड येलो रंग के होते हैं, जो इन्हें औरों से अलग बनाती है। इनके विंग्स काफी अट्रैक्टिव होते हैं। ये खासकर अपने विंग्स के कारण ही दुनिया के सबसे खास और सुंदर बर्ड्स में काउंट किए जाते हैं। नंबर 8, विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन। इस लिस्ट में अगली बर्ड किसी रानी से कम नहीं दिखती। इस बर्ड के पास अपना क्राउन, अपनी खूबसूरती और भगवान के दिए बेहद खूबसूरत विंग्स है, जिस कारण इसका नाम भी विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन है। ये पिजन सिंगुलर मानी जाती है, जो न्यू गिनी में बसी हुई है। इसकी खास बात यह भी है कि ये एक टेरिस्ट्रियल पिजन होती है, जो कि खास कर ग्राउंड्स पर रहना पसंद करती है। सिर पर ताज के अलावा विक्टोरिया क्राउन पिजन की आंखें भी काफी आकर्षित होती है। इनकी आंखों का रंग रूबी रेड होता है। इन सभी क्वालिटीज से पूर्ण ये बर्ड आज करीब करीब विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 7, गोल्डियन फिंच। जिस तरह से इंसान अक्सर गिरगिट का रंग समझने में कंफ्यूज हो जाता है, वैसे ही आज हम आपको एक ऐसे बर्ड से मिलवाते हैं जो देखने में किसी रेनबो से कम फील नहीं देता। हम बात कर रहे हैं गोल्डियन फिंच की, जो एक ही शरीर के साथ अलग अलग रंग में लीन है, जिस कारण इन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी भी माना जाता है। इन बर्ड्स में मेल के फेस पर टर्कोइस ब्लू और ऑलिव ग्रीन कलर की कैप होती है। इसके अलावा उनकी बैक ऑलिव ग्रीन होती है और ब्रेस्ट पर्पल होती है। एक समय तो ये था कि इन बर्ड्स को इनकी खूबसूरती के कारण कैद करके रखा जाता था, जिससे इन्हें इजीली एक्सपोर्ट किया जा सके, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अब इनके एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिस कारण कोई भी इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। वैसे आपको इन बर्ड्स के बारे में ये जानकर हैरानी होगी कि इनके बच्चों के मुंह में कुछ मोती होते हैं, जो लाइट्स के लगने पर चमकते हैं। हालांकि साइंटिस्ट भी इन मोतियों के होने का कारण अब तक पता नहीं कर पाए हैं। नंबर 6, म्यूट स्वान। प्यार और शांति के प्रतीक स्वान इस लिस्ट में आने के पूरे हकदार है। ये देखने में काफी सुकूनदायक और खूबसूरत होते हैं, जो लोगों का ध्यान अक्सर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पानी में किसी कॉटन बॉल की तरह तैरते हुए म्यूट स्वान की ऑरेंज चोंच और उस पर काले रंग का मास्क इन्हें एक डिसेंट लुक देता है। बात करें इनके रहने की, तो ये बर्ड्स मेनली टेम्परेट जोन के फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। स्विमिंग बर्ड्स की बात करें तो स्वान डक्स और गीस से काफी हैवी होने के बाद भी अपनी खूबसूरती पानी के ऊपर लिए बरकरार है। हालांकि स्वान की खूबसूरती के मजे अगर आप दूर से ही ले तो अच्छा है, क्योंकि इसके पास जाने से ये आपको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी बर्ड्स के कंपैरिजन में ये थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड की होती है। नंबर 5, पीकॉक। खूबसूरत पक्षी की बात आए और हमारे भारत के राष्ट्रीय बर्ड पीकॉक की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पीकॉक यानी मोर देखने में इतने लुभावने होते हैं कि हिंदू गॉड कृष्णा भी अपने श्रृंगार को पूरा करने के लिए अपने माथे पर मोर पंख को लगाते थे, जो उनकी खूबसूरती को और निखारता था। एक मोर अपने प्यारे हरे और शाइनी पंखों को लेकर जाना जाता है, जिसमें एक नहीं बल्कि हरे, पीले और ब्लू रंगों के कई रूप होते हैं। एक मेल पीकॉक एक फीमेल पीकॉक को इम्प्रेस करने के लिए जब नाचता है,
तो लोग देखते ही रह जाते हैं। मोर को नाचता देख किसी की भी आंखों में शाइन आ जाती है। इसके पंख बेहद प्यार से एक डायरेक्शन में हिलते हुए अपनी शाइनिंग को साफ तौर पर दिखाते हैं। पीकॉक की तीनों ही स्पीशीज पैवोक्रिस्टेटस, पैवोम्यूटिकस और एफ्रो पैवोकॉन्जेंसिस को दुनिया के सबसे खूबसूरत बर्ड्स में काउंट किया जाता है। नंबर 4, फ्लेम बावरबर्ड। रंगों को ऐसे ही खूबसूरत नहीं कहा गया, अब फ्लेम बावरबर्ड को ही देख लीजिए, जो बाकी के बर्ड्स में अपनी खूबसूरती को लेकर घमंड करने से पीछे नहीं हटता। अब हटे भी क्यों, भगवान ने इसे कमाल के रेड ऑरेंज रंग से जो नवाजा है। न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले फ्लेम बावरबर्ड को इनका नाम भी इनकी सीरत के कारण ही मिला है। ये किसी कलरफुल टॉर्च लाइट की तरह दिखते हैं। बाकी ऑरेंज और रेड कलर के साथ येलो और ब्लैक कलर की इनकी बैक और फेदर्स बिल्कुल सोने पर सुहागा है। बाकी के सभी बावर बर्ड्स की तरह ही ये बर्ड भी अपना बावर कई तरह के डेकोरेटिव आइटम से बनाता है, जिसमें स्टिक्स और ब्राइट एंड शाइनी ऑब्जेक्ट्स खास तौर पर आते हैं, जैसे स्टोन्स, शेल्स, बिट्स ऑफ ग्लास और इवन लॉस्ट कॉइन्स और ज्वेलरी भी शामिल है। अपने घर की तरह इन बर्ड्स की आंखें भी शाइनी यानी गोल्डन कलर की होती है, जहाँ ये डांस करते समय अपनी आंखों की प्यूपिल्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट बड़े ही आराम से करते हैं, जो वाकई कमाल है। नंबर 3, लॉस पेरोशिया। मिलिए इन छोटे उस्ताद से, जो वाकई खूबसूरती और टैलेंट के सरताज है। इनका रंग ढंग, चाल ढाल और बेहद खूबसूरत डांस इन्हें बाकी के सभी बर्ड से अनोखा बनाता है। इस पक्षी की पूंछ मोटी और पंख चौड़े होते हैं और ये काले गहरे रंग के होते हैं, लेकिन इनके माथे पर एक सफेद दाग होता है। साथ ही इनके गले पर बैंगनी इंद्रधनुष रंग भी होता है। लॉस पेरोशिया में सबसे अनोखे इनके वायर होते हैं, जो इनकी आंख के ऊपर अटैच्ड होते हैं। और ये बर्ड जब अपने में मग्न होकर नाचते हैं, तो उसके फेदर किसी स्कर्ट की तरह सर्कुलर शेप में खड़े हो जाते हैं, जो देखने में काफी प्यारा लगता है। नंबर 2, ब्लू ग्रे टैनेजर। आजकल आपने देखा होगा कि जो चीज जितनी सिंपल और डिसेंट होती है, उतनी ही अट्रैक्टिव और क्लासी लगती है। अगर हम पक्षियों की भी बात करें, तो इसमें भी रंगों के आगे सिंप्लिसिटी जीत जाती है। तभी तो पहले नंबर पर ब्लू ग्रे टैनेजर जैसे बर्ड को रखा गया है, जो हमारी लिस्ट के बाकी सभी बर्ड से काफी सिंपल एंड क्यूट है। छोटी सी ये बर्ड सॉन्ग बर्ड के नाम से जानी जाती है, जिसका रंग नीला होता है, लेकिन ये नीला रंग बाकी के किसी भी नीले रंग से काफी अलग है। इवन माउंटेन ब्लू बर्ड भी इस तरह के रंग के नहीं होते। ये बर्ड एलिस ब्लू, पर्पलिश ब्लू, सफायर ब्लू और मिडनाइट ब्लू के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, जो बेहद ही लुभावना है। हर किसी को इन्हें देखना नसीब नहीं होता, क्योंकि ये मेक्सिको और अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली बर्ड है। नंबर 1, ब्लू बर्ड ऑफ पैराडाइज। ब्लू बर्ड ऑफ पैराडाइज देखने में वाकई खूबसूरत होती है। इस प्रजाति के मेल ब्लू बर्ड के नेक और हेड पर ब्लैक कलर पाया जाता है, जबकि इसकी फुल बॉडी स्काई ब्लू कलर की होती है। साथ ही इनकी आंखें और चोंच खासकर सफेद रंग की होती है। इनकी पूंछ की बात करें तो वो गहरे फिरोजा रंग की होती है। 3-4 रंगों से लोगों का मन आकर्षित करने वाले इस बर्ड की चेस्ट में एक रेड स्पॉट भी होता है। यही नहीं, ये एक ऐसा बर्ड है जिनकी पूंछ में लंबे तार भी होते हैं। 12 इंच की ये बर्ड काफी गॉर्जियस होने के साथ साथ अट्रैक्टिव लगती है। ये कई बार उल्टा लटक कर अपने पंखों को फैलाकर एक अलग सी आवाज निकालते हुए अपनी चेस्ट के स्पॉट को सांसों के साथ छोटा बड़ा करती रहती है, जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी बर्ड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।